But I have felt cancer. I know that I can feel it. I can feel what is going to be in cancer and how I'm going to tackle it. पूत के पाव पालने में ही दिख जाते हैं। हिमाचल के अकृत प्राण जयसवाल के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है। हिमाचल प्रदेश के नूरपुर के रहने वाले अकृत के लिए ये कहा जा सकता है कि वह अपनी उम्र से काफी आगे चल रहे हैं। ऐसा क्यों? ये भी बताते हैं। अकृत ने 7 साल की उम्र में आग से जले एक पीड़ित की सर्जरी की। इस सर्जरी के बाद अकृत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। उस वक्त अकृत प्राण जयसवाल को दुनिया का सबसे कम उम्र का सर्जन करार दिया गया। अकृत दुनिया के असाधारण प्रतिभाशाली बच्चों में से एक हैं। एक वक्त अकृत के बोलचाल और व्यवहार से उम्र का अंदाजा लगाना काफी कठिन था। अकृत की उपलब्धि को देखकर सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया भर के लोग चकित हैं। जानते हैं उनके महज 7 साल की उम्र में सबसे छोटे सर्जन बनने की कहानी को। दरअसल एक दिन एक परिवार अपनी बच्ची को लेकर अकृत के पास आया। उसकी उंगलियां जलने की वजह से चिपक गई थी। पैसे नहीं थे, इसलिए बच्ची का परिवार ऑपरेशन नहीं करवा पाया। अकृत से मदद मांगी और एक पेपर साइन करवाने के बाद अकृत ने सर्जरी की, जिसके बाद अकृत को दुनिया का सबसे छोटा सर्जन कहा गया। अकृत ने 10 महीने की उम्र में चलना और बात करना भी शुरू कर दिया था। ये लड़का एक बार फिर तब सुर्खियों में आया जब वह महज 12 साल की उम्र में देश का सबसे कम उम्र का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन गया। मात्र 13 साल की उम्र में उसका IQ 146 था, जो उसके हम उम्र लड़कों के मुकाबले बेहद ज्यादा था। जयसवाल ने इतने कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर ली थी। ये वजह थी अमेरिका की मशहूर होस्ट ओपरा विन्फ्रे की ओर से आयोजित दुनिया के सबसे फेमस टॉक शो में उसे इनवाइट किया जाना। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि पूत के पाव पालने में दिख जाते हैं, इस कहावत को एक और बात से बल मिलता है। उसके परिवार के मुताबिक महज 10 महीने की उम्र में वह चलना बोलना सीख गया था। मात्र 2 साल की उम्र से उसने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। 5 साल की उम्र से उन्होंने अंग्रेजी क्लासिक्स नॉवल पढ़ना शुरू कर दिया था और 7 साल की उम्र में तो एक असाधारण उपलब्धि प्राप्त कर ली थी। काफी कम उम्र में मेडिकल जीनियस बनने के बाद अकृत को धर्मशाला के माध्यमिक शिक्षा के अध्यक्ष से गाइडेंस और सपोर्ट मिला। इसके बाद अकृत ने महज 12 साल की उम्र में साइंस की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में दाखिला दिलवाया। 17 साल की उम्र में वह अप्लाइड केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री हासिल कर चुका था। इन सब के बाद अकृत को अपने लक्ष्य को पाने का मौका मिला। शुरू से ही वह कैंसर का इलाज खोजना चाहता था। अकृत ने प्रतिष्ठित IIT कानपुर में दाखिला लिया है। फिलहाल वह यहाँ बायो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। आपका इस छोटे से बच्चे को लेकर क्या कहना है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।